कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच नौवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। सरकार ने बैठक में ये साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तो वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक में कोई भी हल नहीं निकलने के बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर बैठक होगी। टिकरी बॉर्डर पर बैठक, किसान क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, इसको लेकर संवाददाता राज वर्मा ने ये रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर हैं और लगातार 45 दिन से किसानों का आंदोलन चला हुआ है। मुश्किलें हैं, सर्दी है, बरसात भी बीच बीच में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हौसले जो है वो किसानों के बरकरार है। कल की जो बातचीत हुई वो बेनतीजा निकली। उस सब के बाद अब क्या स्थिति है, क्या किसान सोचता है, हम इस वक्त यहीं टीकरी बॉर्डर पर है। कल जो बातचीत हुई बेनतीजा निकली, आगे की क्या रणनीति रहेगी? कल की काफी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन कोई बातचीत में कुछ हल निकल कर नहीं आया। देखो, बातचीत एक नहीं कई दफा होंगी, रोते रहेंगे। हमारा किसान वापिस हटने वाला नहीं है। एक बार को नहीं, हमने तो आगे अप्रैल में अपने गेहूं की कणक की कटाई करेंगे ना, तब तक यहाँ है। और तब भी हमारे पीछे से यही आवाज़ आ रही है, आप जाओ, हम यहाँ करेंगे। हमारी तो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो सब यही है कि खेती को हम अपने आप संभालेंगे, तुम जाओ। तब तक वापिस नहीं आना जब तक काले कानून हो, या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे। कल एक बार फिर से तारीख दे दी है 15 जनवरी की। क्या लगता है कि सरकार जानबूझ के लंबा खींचने की कोशिश कर रही है कि हौसले टूट जाए किसानों? ये एक सरकार की दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट जाओ आप लोग, और दूसरा तारीख पे तारीख दे रहे हैं ताकि आपस में किसानों को बांट दिया जाए। लेकिन किसान जागरूक हो चुका है पूरी तरह से। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हर किसान इकट्ठे हो चुके हैं, और हमारा यही आगे का विचार है कि जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, जब तक धरना जारी रहेगा, आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता जो है वो निकाले, कोई विकल्प है तो विकल्प किसान दे दें, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। नहीं, सरकार इस मामले में किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे सत्ता पक्ष है वहाँ पे कानून लागू होगा, जहाँ पे सत्ता पक्ष नहीं है वहाँ पे कानून नहीं लगेगा। तो इस माहौल में सरकार किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। एक बहाना है भाई, सरकार राज्य सरकारों पे छोड़ दिया जाए, ये सिर्फ बांटने का मकसद। बारिश, ठंड, मुश्किलें तो हैं। अरे बारिश कहाँ है, ये तो सोना बरसा है। हमारे लिए तो इतने फायदेमंद है ये बारिश, बहुत ज़्यादा। हम तो फ्री हो गए गाँव से, लेडीजें हमारी आने लग रही हैं फ्री होके, अब यहीं खाना बनाएंगे, यहीं रहेंगे। हमने तो दिल्ली में रहना है, इतने सालों से कई पीढ़ियाँ बड़े बड़े घराने दिल्ली में रहते थे, अब हमारा भी नंबर आ गया, दिल्ली हमारी भी तो है, अब हम भी दिल्ली में रहेंगे। तो जो व्यवस्थाएं भी, क्योंकि शुरू से किसानों ने साफ कर दिया था कि कितना ही लंबा आंदोलन चले और उसकी तैयारियां जो है, बकायदा जो राशन है और तमाम जो दूसरी जो चीज़ें हैं, ठंड भी है तो उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी जो है पहले से की हुई है, और साफ किसानों ने कर दिया है कि अगर लंबा भी जाता है आंदोलन, चाहे कितना भी लंबा जाए, तो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन तब तक यहाँ डटे रहेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि सरकार इन तीनों बिल को, इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राजवर्मा, टीकरी बॉर्डर।